हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आदि योगा संत के चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करेंगे सिद्धासन के बारे में, इसके लाभ के बारे में तथा इसके कुछ प्रमुख बातों के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं सिद्धासन के बारे में। दोस्तों सिद्धासन योग मत में सिद्धासन को सिद्ध आसन माना जाता है। 84 लाख योनियों में 84 आसन को ही महत्व दिया गया है। मानव शरीर के लिए उन्हीं में से एक आसन है सिद्धासन, जो सभी आसनों में उत्तम आसन माना जाता है। यह वह आसन है जिस आसन के माध्यम से हम अपने अंदर अद्भुत आध्यात्मिक ऊर्जा को अपने अंदर केंद्रित कर सकते हैं, तथा प्रतिदिन इसे करने से हमें कई सिद्धियां भी प्राप्त हो जाती है। बकायदा हमें इस बारे में पूर्ण जानकारी हो अथवा किसी योग गुरु के द्वारा सीखा गया हो, ये आसन सभी बीमारियों और सभी आपदाओं को दूर करने में सक्षम है। यह मस्तिष्क को प्रभावी रूप से समग्र एवं यथार्थ रूप प्रदान करता है और यह सिद्ध करता है कि सिद्धासन अपने नाम के अनुरूप ही कार्य करता है। यह आसन सभी के लिए आरामदायक और बढ़िया माना जाता है और आसानी से हर कोई इसे कर सकता है, एवं इस आसन से हम अध्यात्म के उस पथ की ओर हम कदम रख सकते हैं जहाँ हमें अष्ट सिद्धि, नौ निधियों, इन आदि सिद्धियों की जानकारी प्राप्त हो जाती है। यह प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा किया गया बहुत ही सिद्ध आसन है। आइए जानते हैं इस आसन को कैसे करते हैं, इस आसन के समान लाभ क्या क्या हैं। सिद्धासन की विधि के बारे में सबसे पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले आप सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए और शौच आदि क्रिया करके मल त्याग कर जमीन पर मैट बिछा करके शांत भाव मुद्रा में बैठ जाइए। यथा स्थान शुद्ध होना चाहिए तथा उससे वहां सुगंधित वातावरण हो, आसपास कोई ध्वनि ना हो। अब आप अपने मैट पर बैठ जाएं और दाएं पैर एड़ी को अपने अंडकोश के नीचे रखें, फिर बाएं पैर को मोड़ कर दाएं पैर के ऊपर रखें। अपने कमर को सीधा रखें और गर्दन बिल्कुल सीध में हो। दोनों हाथों को अपने घुटनों पर रखें ज्ञान मुद्रा में और धीरे से अपने आंखों को बंद करें और अपने विचारों पर ध्यान हटा लीजिए और अपने सांसों के आवागमन पर ध्यान दीजिए। इस प्रकार आप सिद्धासन को प्रतिदिन करें। यह आसन ब्रह्मवेला में किया जाने वाला आसन है। इस आसन में हम ध्यान लगाते हैं तथा अपने मस्तिष्क को एकाग्र करने की चेष्टा करते हैं। आइए जानते हैं अब सिद्धासन के लाभ के बारे में। सिद्धासन मस्तिष्क को शांत रखने में उपयोग भूमिका निभाता है। हमारे ब्रेन सेल्स को मजबूत तथा सोचने की क्षमता को तीव्र और सही दिशा प्रदान करने में सहायक है। सिद्धासन से हमारे मस्तिष्क में वायु के प्रवाह का आवागमन सुचारू रूप से होता है तथा हमारे सांसों पर कंट्रोल, तथा जिसके कारण हमारे शरीर में ऊर्जा की कमी पूरी हो जाती है। रीढ़ की हड्डी से जुड़ी समस्याओं से मुक्ति मिल जाती है तथा लंबे समय तक इसका अभ्यास करने से हमारी रीढ़ की हड्डियों और कमर के सभी दर्द और पीड़ाएं दूर हो जाती है। घुटने की शिकायत समाप्त हो जाती है एवं गर्दन में थायराइड, पैराथायराइड आदि रोगों से मुक्ति मिलती है। जिन्हें अत्यधिक क्रोध आता हो उन व्यक्तियों के लिए यह आसन अति उत्तम माना जाता है। पेट की समस्याओं को दूर रखता है तथा एवं पाचन तंत्र को नियमित रखता है। इस आसन से हमारे शरीर के 72,000 नस नाड़ियां खुल जाती है और कई प्रकार के रोगों पर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं। जिन लोगों को पेशाब करने के बाद जलन होती है वे इस आसन को करने से इस समस्या से निजात पा सकते हैं। बवासीर, मूत्र रोग, आंखों के रोगों को दूर करने में यह सिद्धासन सहायक है। आइए जान लेते हैं सिद्धासन में रखे जाने वाली कुछ सावधानियों के बारे में। जब हमारे घुटनों या कमर में अधिक दर्द हो तब इस आसन को नहीं करना चाहिए तथा बीमारी की हालत में इस आसन को न करें। जब आपके सर में अधिक दर्द हो रहा हो या चक्कर आ रहा हो या उल्टी जैसा महसूस हो रहा हो तब इस आसन को जबरदस्ती ना करें। या रीढ़ की हड्डियों से जुड़ी हुई कोई समस्या है तो इस आसन को योग प्रशिक्षक के निगरानी में ही करें। सिद्धासन को स्वच्छ वातावरण में करना चाहिए तथा स्वच्छ वातावरण को बनाए रखने में अपने आसपास के माहौल में सहयोग करना चाहिए। यह आसन खाना खाने के बाद नहीं करना चाहिए। इस आसन को एकांत और शांत वातावरण में ही करना चाहिए तथा बिना शौचालय जाए, बिना पेट साफ किए बिना इस आसन को न करें। यदि आपके गर्दन में दर्द या फिर सांस लेने में तकलीफ होती हो तब भी इस आसन को न करें। ये थे सिद्ध आसन में रखे जाने वाली कुछ सावधानियों के बाद। पिरामिड में जिस तरह से ऊर्जा आती है पिरामिड के प्रकार ही यह सिद्ध आसन की आकृति बनती है।
जिस प्रकार से पिरामिड चारों तरफ से उसके कोण होते हैं, उसी प्रकार से सिद्धासन के भी कोण बनते हैं। इससे बाह्य तरंगे हमारे शरीर में प्रवेश करती है और इससे हमें काफी फायदा होता है। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए एंड शेयर कीजिए। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए तथा ऑल नोटिफिकेशन घंटी को दबा लीजिए, ताकि सबसे पहले आपको वीडियो मिल सके और जान सके कई आसनों के फायदे के बारे में तथा अन्य बातों के बारे में। तो मिलते हैं अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ।